आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरीके से आज का दिन देखिए बहुत खास है। आज एक तो पीएम का जन्मदिन, ऊपर से विश्वकर्मा दिवस और इस खास दिन बहुत सारी सौगातें आज लोगों को मिल रही हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है और मेट्रो में इस वक्त मौजूदगी पीएम मोदी की है, वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, मेट्रो कर्मियों से भी बातचीत की। ये दूसरी तस्वीर जिनका योगदान, उनसे भी बातचीत करते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो कर्मी हैं जिनसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे और जो विस्तार है द्वारका सेक्टर 21 से 25 का यशोभूमि तक, उस लाइन का लोकार्पण उन्होंने किया। तो पहली तस्वीर आप देखिए कि मेट्रो में जब वो पहुंचे तो वहां पर जो यात्री सफर कर रहे थे उनसे उन्होंने बातचीत की, और दूसरी तस्वीर जो लोग मेट्रो कर्मी हैं, जो मेट्रो के परिचालन और संचालन में अपना योगदान देते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की। और अमूमन प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं कि वो जहां भी पहुंचते हैं संवाद का मौका वो नहीं छोड़ते, और ऐसे ही संवाद की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मेट्रो के अंदर की, जब वो सफर कर रहे हैं मेट्रो में, देखिए एक बच्चे से दुलार कर रहे हैं, युवाओं से उन्होंने बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, और दूसरी तस्वीर मेट्रो स्टेशन पर जो मेट्रो कर्मी थे, जो वहां पर कर्मचारी थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की और उनसे सुझाव लिए और उनकी बातों को भी सुना। ये तस्वीर आपके सामने, यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक कंस्ट्रक्टेड एरिया में फैला ये सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी MICE यानी कि बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, तमाम सुविधाओं से शुमार होगा। इसमें 15 कन्वेंशन सेंटर और 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता के। आप ये जानते हैं कि पीएम मोदी देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए लगातार जोर देते हैं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना पीएम मोदी का दृष्टिकोण रहा है। द्वारका में यशोभूमि से इसे बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले फेज के उद्घाटन के साथ ही वो द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो यात्री सफर कर रहे हैं उनसे, उनके साथ, उनके संग सेल्फी लेते हुए भी पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं, बच्चों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे, उनके साथ दुलार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सफर कर रहे हैं उनसे, जाहिर सी बात है पीएम मोदी जानने की कोशिश कर रहे होंगे किस तरीके से, कोई दिक्कत तो उनको यहाँ पर नहीं होती, कोई परेशानी तो उनको नहीं होती, सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिलती हैं और मेट्रो की सुविधा लगातार जिस तरीके से और अधिक तेजी के साथ मिल रही है या फिर विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, उससे कैसे आने वाले वक्त में समय की बचत होगी दिल्ली वासियों की, इसके बारे में भी वो लोगों से बातचीत कर रहे होंगे। दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो ये तस्वीरें हैं और आज का दिन खास है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 73वां। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि एक विशाल भव्य और विहंगम कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि एयरपोर्ट मेट्रो की लाइन का विस्तार हो रहा है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो रही है, जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं उनके जीवन को बदलने वाली साबित होगी। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं मेट्रो में सफर करने की, मेट्रो कर्मचारियों से बात करने की, ये जो संवाद का तरीका है प्रधानमंत्री का, ये मौका प्रधानमंत्री कहीं छोड़ते नहीं है और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनकी कोशिश रहती है कि आम लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा ये देखने को मिला है। आपको याद हो अभी जब दिल्ली विश्वविद्यालय वो गए थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका दो रूट ऑलरेडी फाइनल था, एक सड़क मार्ग से और एक जो है मेट्रो के रास्ते, लेकिन उन्होंने मेट्रो का रास्ता चुना इसलिए कि दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो, दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने मेट्रो का रास्ता चुना और सीधे पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच के कार्यक्रम को अटेंड किया और फिर मेट्रो से ही वो वापस लौटे। तो ये प्रधानमंत्री का अपने आप में एक अजब तरीका है कि लोगों को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। नीरज, हमारे साथ बने रहिए।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।